दोस्तों हमारे पास जिंदगी को जीने के सिर्फ दो तरीके होते हैं। पहला तो ये कि जैसा चल रहा है वैसा चलने, या फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना। लेकिन आज की इस वीडियो में आप कुछ ऐसे गैजेट्स देखने वाले हैं जो कि आपके काम को तो सिंपल और इजी कर ही देंगे, उसके साथ साथ आपकी लाइफ को और भी ज्यादा कंफर्टेबल बना देंगे। कौन कौन से वो खास गैजेट्स, चलिए जानते हैं। तो गाइस आज के वीडियो की स्टार्टिंग होगी पोर्टल कॉर्ड से। आजकल स्मार्टफोन का यूज इतना बढ़ चुका है कि अब हमें उसे हर टाइम चार्ज ही लगाना पड़ता है। और घर पर तो ठीक है क्योंकि हम उसे इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज कर ही लेते हैं, लेकिन जैसे बात आती है आउटडोर की तो हमें भारी और बड़े बड़े पावर बैंक और उनके साथ साथ केबल का गुच्छा भी लेकर चलना पड़ता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल सा लगता है। तो मिलिए पोर्टल कॉर्ड से, जो कि आपके लिए पावर बैंक और केबल दोनों का काम कर देगा। सो जब भी फोन डेड होने लगे सिंपली इसे निकालना और अपने फोन में प्लग इन कर देना और अपने दोस्तों से गप्पे लड़ाना है क्योंकि फोन तो चार्ज हो ही रहा है। अराउंड 4056 रुपीस वाली इस केबल को आप अपने लैपटॉप या फिर चार्जिंग एडाप्टर से चार्ज करते हुए फोन को चार्ज कर सकते, लेकिन इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो सिर्फ 1800 एमएच की है। सो इसकी कैपेसिटी भले ही कम है लेकिन ये इन्वेंशन गजब का है। ओवरऑल देखें आपके लिए एक बढ़िया और शानदार इनोवेटिव सा गैजेट हो सकता है। नंबर 9, हवा वन। दोस्तों हम सभी अपने अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं अपनी बाइक्स, लेकिन जितनी ज्यादा हम लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है उतने ही अब रोड पर ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम भी बढ़ रही है। सो ट्रैफिक जाम से स्मार्टली डील करने के लिए इस हॉवर का यूज किया जा सकता है, जो कि आपको ऑफिस जाते हुए ट्रैफिक की वजह से कभी लेट नहीं होने देगा। इसके दोनों व्हील्स में एलईडी लाइट्स आपकी राइडिंग को और भी ज्यादा स्टाइलिश और एंजॉयबल बना देती है। 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाई जा सकती है और ऐसा करने के लिए इसमें 350 वॉट की मोटर लगी हुई है। लेकिन दोस्तों ये सिंगल चार्ज पर 5 किलोमीटर के आसपास तक ही जा सकती है। इट मींस शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये बेस्ट है, क्योंकि ना तो इसे पार्क करने की जरूरत पड़ती है और ना ही इसके चोरी होने का डर होता है, क्योंकि इसे जस्ट अपनी वर्किंग डेस्क के नीचे रखा जा सकता है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से इसे चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 8, निंटेंडो गेम एंड वॉच। दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह मारियो खेलते खेलते बड़े हुए तो मैं आपको बता दूं कि जो मारियो है उसकी 35th एनिवर्सरी को मेमोरेबल बनाने के लिए अगेन रिलीज की गई है ये वॉच, जिसे आप अपने हाथों में तो नहीं पहन सकते बट अपने घर पर जरूर रख सकते हैं। इसके साथ ही आप इसे अपनी पॉकेट में रखकर कैरी भी कर सकते हैं, ताकि जब भी मन करे तब आप इससे मारियो खेल सकते हैं। सो ये पूरी तरह से एक जॉयस्टिक की तरह ही लगेगी। इसकी स्क्रीन में आपको ब्रिक के फॉर्म में टाइम दिखाई देगा। इसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। नंबर 7, FNDN जैकेट। सो दोस्तों ठंड से बचने को ये वो कॉमन हुडी होती है जो कि हमें आउटर एटमॉस्फेयर से प्रिवेंट करती है, अलग से कोई हीट जनरेट नहीं करके देती। लेकिन इस गैजेट में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसे पहनने के बाद इलेक्ट्रिकली हीट प्रोड्यूस करने लगती है जिससे आपको ठंड का पता ही नहीं चलता। इसी जैकेट के साथ इनबिल्ट आते हैं इसके ग्लव्स, जिन्हें कुछ इस तरह से बाहर निकाला जाता है, और जैकेट की तरह इन ग्लव्स में भी हीट प्रोड्यूस होती है। ये सब पॉसिबल होता है इसमें लगे हुए 10,000 mAh के पावर बैंक से। खैर इस पावर बैंक से फोन भी चार्ज कर सकते हैं और इसे स्ट्रेटेजेबल क्लॉथ से बनाया गया है, इसलिए ये पहनने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल। इसके अलावा ये विंड प्रूफ है और वाटर प्रूफ है। नाइट के लिए इसमें अलग से एलईडी इंडिकेशन लाइट्स लगी हुई है, जो कि अपनी सेफ्टी के लिए मस्ट है, जिससे कि इन्हें अंधेरे में दूर से ही देखा जा सकता है। खैर बात करें इसकी प्राइस की तो अराउंड 10,960 रुपीज में आप इसे खरीद सकते हैं। और रही बात इसके धोने की तो इसमें लगे हुए पावर बैंक को आप निकाल देने के बाद ये पूरी तरह से वॉशेबल जैकेट है। नंबर 6, एयर हीटर। कई बार ऐसा होता है कि हम सब कुछ पहनने के बाद भी ठिठुरते रहते हैं, क्योंकि हमारे रूम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा होता है। रूम टेम्परेचर को ठीक करने के लिए कई लोग बड़े बड़े एयर हीटर का यूज करते हैं, लेकिन इस पोर्टेबल हीटर के साथ ऐसा नहीं है। इसे सिंपली प्लग इन कर स्विच ऑन करते ही ये हॉट एयर देना स्टार्ट कर देता है। इसे इजी कनेक्ट करने के लिए इसके मेन प्लग पूरी तरह से रोटेट किए जा सकते हैं, और इसलिए ये किसी भी तरह के अनयूजुअल प्लेस पर भी इजीली फिट हो जाता है, जिसे घर या ऑफिस कहीं भी लगाया जा सकता है। इसमें 15 डिग्री से लेकर 32 डिग्री तक की हीट एडजस्ट की जा सकती है और मैक्सिमम 12 आवर्स तक का टाइमर इसमें सेट किया जा सकता है। वैसे भी हम कंटिन्यूसली 12 घंटे शायद ही कहीं रुकते हों। खैर बात करें 400 वॉट वाले इस हीटर की प्राइस की तो वो है 699 रुपए, और अमेजन पर लोगों ने इसे ओवरऑल रेटिंग जो दी है वो है 3.3 out of 5। नंबर 5, हीटेड रेजर। दोस्तों ये गैजेट स्पेशली उन पर्सन को पसंद आने वाला है जो कि बियर्ड के इतने कोई खास शौकीन नहीं होते और हमेशा क्लीन शेव रखना ही पसंद करते हैं। हालांकि इससे हर कोई प्रोफेशनल भी लगने लगता है। खैर जितनी आसानी से शेविंग हम समर सीजन में कर पाते हैं, विंटर सीजन में ये काम उतना ही ज्यादा टफ हो जाता है, और इसलिए इस काम को और भी आसान बनाने के लिए जानी मानी कंपनी जेलेट ने बनाया ये हीटेड रेजर। इसकी ब्लेड के जस्ट नीचे लगी कॉइल हल्की हल्की गर्म होने लगती है, जो कि स्किन को हार्म तो नहीं पहुंचाती, लेकिन इससे स्किन के जो पॉर्स होते हैं वो जरूर ठीक से खुल जाते हैं, जिससे कि शेविंग और भी ज्यादा स्मूथ और इजी हो जाती है। इसकी कॉइल बार बार अपना टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करती रहती है, जिससे इसका टेम्परेचर स्टेबल रहता है। जैसा कि जिलेट का प्रोडक्ट है तो इसलिए कई बार अलग अलग सरफेस पर ये टेस्ट भी किया गया होगा, और इस मैग्नेटिक रिचार्जेबल रेजर को वाटर प्रूफ बनाया गया है, इसलिए इसे शॉवर के टाइम भी यूज किया जा सकता है। बात करें प्राइस की तो इसका जो प्राइस है वो अराउंड 8,000
₹18। तो चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 4 के गैजेट की तरफ, जिसका नाम है बेसकैम्प डॉक। बेसिकली ये एक 3-in-1 चार्जिंग स्टेशन है। ये एप्पल वॉच, आईफोन और आईपैड तीनों के लिए यूजफुल है, लेकिन ये दूसरे नॉन एप्पल डिवाइसेस के लिए भी कंपेटेबल है। जब चीजें एक ही जगह पर चार्ज हो जाएंगी तो इससे आपकी डेस्क पर होने वाला काफी सारा फैलारा समेटा जा सकेगा। लेकिन ये कोई वायरलेस चार्जर नहीं है, इसके लिए आपको केबल और एप्पल वॉच के लिए चार्जर इसमें फिक्स करने होंगे। इसके अलावा इसमें एक नाइट लाइट भी दी गई है, जिससे कि ब्राइटनेस को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें एक यूएसबी पोर्ट भी दिया गया है, जिससे कि दूसरे यूएसबी कंपेटेबल डिवाइस से चार्ज हो पाएगा। नंबर 3, फोकस बर्ड्स बाय पोटेंशियल एक्स। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारे 20% वर्क हमें 80% तक रिजल्ट दे देते हैं, लेकिन आजकल हमारा पूरा सराउंडिंग डिस्ट्रैक्शन से भरा पड़ा है, जिससे कि हमारा सारा काम ठीक से हो ही नहीं पाता। और इसलिए बनाई गई ये दुनिया की पहली प्रोडक्टिविटी बूस्टिंग ईयरबड, जिसमें आपकी ब्रेन एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए बायो सेंसर्स का यूज किया गया। सो जैसे ही आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, एग नैरो फीडबैक की हेल्प से ये आपको ऑडियो फॉर्म में नोटिफाई कर देता है। और ऐसा करने के लिए ये मशीन लर्निंग का यूज करता है और एक पैटर्न बना लेता है, जैसे कि आप आपके काम पर फिर से फोकस कर पाए। ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। साथ ही से वन टच वॉइस कंट्रोल और वॉइस कैंसिलेशन प्लस ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी जैसे एडवांस फीचर्स भी इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। और पता है, इस तरह के गैजेट्स पहले सिर्फ नासा एस्ट्रोनॉट इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अब आप भी इन्हें अप्रॉक्स 19,739 रुपीज में परचेस कर सकते हैं। थोड़ा महंगा जरूर है, पर बड़ा ही काम का गैजेट हो सकता है। नंबर 2, पिंग पोंग क्लॉक। दोस्तों, अपने घरों को डेकोरेटिव लुक देने में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, वो होती है हमारी एलईडी लाइट्स। लेकिन अगर आपने रूम की वॉल्स को और भी ज्यादा शानदार लुक देना हो, तो आप इस तरह की पिंग पोंग लाइट्स का यूज कर सकते हैं। अब ये पिंग पोंग बॉल से डिजाइन की गई है, इसलिए इसका नाम भी ऐसा ही है। खैर, इसे कई सारी पिंग पोंग बॉल लाइट एलईडी और वुडन फ्रेम से इस्तेमाल करके बनाया गया। और रही बात इसमें दिख रही क्लॉक्स की, तो ये बॉल हेक्सागोनल शेप में सेट की गई है। और इनकी एलईडी लाइट्स को कंट्रोल करने में ऑडिनो नैनो माइक्रो कंट्रोलर का यूज भी किया गया, जिससे कि ये वॉल को बहुत ही शानदार लुक दे देती है। बट सॉरी टू से, ये तो बेचने के लिए नहीं, खैर ये कस्टमाइजेबल तो है, तो इसमें सिर्फ क्लॉक ही नहीं बल्कि दूसरे एलईडी पैटर्न और डिजाइन भी ऐड किए जा सकते हैं और अपने घर को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाया जा सकता। सो आज का हमारा फाइनल गैजेट है XD डिजाइन। सो अपने अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग हम सभी अलग अलग काम करते हैं, और अलग अलग काम के लिए हमें अलग अलग बैकपैक की भी जरूरत पड़ती है। और ये XD डिजाइन का बैकपैक हर एक पर्सन की नीड के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया गया है, क्योंकि इसने ट्रैवलिंग के लिए ऐसा एंटी थेफ्ट ट्रॉली बैग बनाया है जो कि आपके फोन को तो चार्ज करेगा, इसके साथ साथ ये एक बैकपैक में भी कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक ऐसा बैकपैक है जो कि दिखने में एक स्टाइलिश भी है, लेकिन फ्रंट से देखने पर उसमें एक जिप नहीं दिखाई देती। ये फुल्ली ओपन हो जाता है, जिसमें कि हमारा सारा सामान इजीली रखा जा सकता है और निकाला जा सकता है। इन्होंने एक डफल बैग भी डिजाइन किया गया है, जिसे कि बैकपैक में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसमें आपने शूज, क्लॉथ और अपनी इलेक्ट्रिक एक्सेसरीज भी आप इजीली रख सकते हैं। और हाँ, रही बात इनकी प्राइस की, तो जैसा बैग है वैसी उसकी प्राइस भी है। सो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पहले सबसे पहले इसे ही चेकआउट कर लीजिए। सो गाइस, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, खूब सारा दिल से शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ में, ताकि अगला सुपर कूल वीडियो और अगला सुपर कूल गैजेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। बाय बाय।